गुड मॉर्निंग भाई लोग, तो दिन है दूसरा और भाई आज मतलब हालत ऐसी है कि अभी भी थकान उतरी नहीं है क्योंकि भाई साहब बड़ी गंदी थकान हो रखी थी। एक रात पूरी सोए नहीं, अगले दिन इतना थक गए और अभी भाई साहब ये हालत है। पूरी रात सोने के बावजूद भी ना ये देखो बंदे अभी भी मान नहीं रहे चैन से। मैं तो उठ गया, टाइम हो रहा है अब 11 बजे, जो कि प्लान था सुबह 5:30 बजे की आरती भी देखेंगे और पता नहीं क्या क्या देखेंगे। चलो कोई नहीं, जो भगवान को मंजूर था कि कल की आरती देख ली थी तो ज़्यादा रेगरेट नहीं है। तो भाई चलो अब सीधा चलते हैं नीचे, पूजा करते हैं, चलो उठाते हैं और अभी थोड़ा सा नहाते हैं एक अच्छी जगह पे, क्योंकि भाई कल एक जगह देखी थी लेकिन ये दोनों बिछड़ गए थे तो हम नहा नहीं पाए सही से। आज चारों बंदे जाके नहाएंगे और उस जगह दिखाएंगे। कसम से बता रहा हूँ, मिनी वाटर पार्क बना दिया हरिद्वार को लोगों ने और लिटरली वो जगह ऐसी थी, आप भी देख के खुश हो जाओगे। तो भाई चलो सीधा चलते हैं वहाँ पे, फिर हर की पेड़ी बनाएंगे और फिर जल उठाते हैं, फिर सीधा बाइक पे लेके चलते हैं। हाँ दिखाओ 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 क्या नाम है आपका? येवड़ू येवड़ू जबड़प ताड़ा। तो भाई अभी जो थोड़ी मस्ती मजाक चल रही है, चलो भाई रेडी हो जाओ। पहले मैं रेडी नहीं हो रहा था, पहले मैं रेडी नहीं हो रहा था, अब ये लोग रेडी नहीं हो रहे, अभी सोने लग गए। चले भाई निकले, निकले निकले निकलो। चलो नीचे मिलते हैं सीधा, लाइट टाइम मिसिंग है भाई लोग, बाद में लगाएंगे। सामान रेडी है, तुम्हारे भाई ने बैग टांग लिया, निकल रहे हैं फाइनली। और ये बंदा बड़ा खुश है, और इसके कल मैं क्या बोलूँ, नहा धोके पूजा करने जाएगा पहले, फिर डुब के आएगा। तू हमारे साथ नहीं आएगा तू? चलो चलो पहले हम चलते हैं, आपको कैसे करना है भाई? पंडित जी नहीं, पंडित जी ज्यादा है यार। चलो 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 जल्दी व्यू पी ले। चलो सबसे पहले मैं रूम दिखा देता हूँ, एक सेकंड भाई निकलो। तो भाई होटल की गैलरी देखो कितनी सही है, मतलब भाई लेकिन सही बताऊँ होटल का एनवायरनमेंट और होटल का मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा था। रूम में एसी है, पंखा है इतना बढ़िया और बेड इतना बढ़िया है। और मेरे को ना एक्चुअल में यह थोड़ा सा आइडिया मिल गया है मेरे को अपना घर अब सेट कैसे करना है, तो इस टाइप के वुडन वर्क मैं करवाऊँगा अगर करवाऊँगा तो। भाई ये सब देखो फुल तगड़ा। चलो इस रूम को बाय बाय करते हैं, बाय बाय करके निकलते हैं और सीधा मिलाते हैं ऑनर से जो नीचे हैं अंकल। तो जिस किसी को भी आना हो मैं होटल का लिंक दे दूंगा, नाम बता दूंगा, हरिद्वार में ज़्यादा दूर नहीं है, 100-200 मीटर, आप आगे अंकल से बात कर लेना, मिल जाएगा आपको। सेकेंड फ्लोर पर रुक गया, चलो सीधा नीचे चलते हैं और अंकल को बोल देते हैं बाय बाय और होटल को कर देते हैं टाटा। अंकल जी हैं होटल महेश्वरी, महेश्वर पैलेस। तो भाई हाँ, तो ये अंकल जी मिल जाएंगे आपको जब भी आना हो, महेश्वर पैलेस। तो अंकल जी का होटल बड़ा मेरे को एक नंबर लगा, तो जब किसी को भी आना हो तो भाई इनसे आके कॉन्टैक्ट कर लेना। होटल का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दे देता हूँ, ये लेफ्ट साइड में आपकी आपका हर की पौड़ी है, तो यहाँ से 200 मीटर की तरफ आओगे तो ये होटल आपको मिल जाएगा भाई। ब्लू कलर की लाइट दिखेगी, ये लोकेशन सर्च कर लेना। भीड़ देख लो भाई, तो सारे गाड़ियाँ निकलने वाले हैं इस टाइम पे और अपन भी निकल रहे हैं इसी टाइम पे। चलो भाई अब सीधा चलते हैं नहाने के लिए, नहा धोके निकलेंगे। क्या हुआ, भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़। तो ब्लॉग बना नहीं सकता हूँ ज़्यादा देर तक क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, फ़ोन वोन गिर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अब सीधा चलते हैं नहाने के लिए क्योंकि भाई टाइम ज़्यादा हो गया है, नहा धो के आगे निकलेंगे, बिल्कुल परफेक्ट प्लान यही है। पहले कुछ खा लेते हैं ना, तो प्लान है कि पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि खाने के लिए ना जल जब ले लेंगे तो जल लेके खाना नहीं खाया जाएगा, और हमने रात को यहाँ पे खाना खाया था पंडित, बहुत बढ़िया खाना था भाई इनका, दाल बहुत बढ़िया थी। तो भाई लोग ये ले लिया अपन ने, हम लोगों ने, और आप निकलने वाले हैं। खैर अभी नहाएंगे, पहले गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। अभी दो बंदे आ रहे हैं, अभी वो कुछ सामान वामान लेने में रुक गए थे, तब तक हम कुछ खाने लग गए, चाय वाय पिए। और सामने देखो मेरे पीछे ही है हर की पौड़ी है, चलते जहाँ पे कल नहाए थे, मैं नहीं आया था, ये लोग अब अपन नहाएंगे, आज हमारी बारी है। चलो भीड़
बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा, मतलब कदम भी रखने की जगह नहीं है सही बोल। चलो भाई वेट करते हैं उनका, यहाँ बुलाया मोहन पूरी वाले भाई, इसकी पूरी बहुत एक नंबर है। देखो देखो भीड़, देखो भीड़ है, ये घाट है। आ गया ना, आगे आ गया मजा, इसका दिमाग बंद हो गया। तो चारों तरफ जहाँ भी देख रहा हूँ ना भाई साहब, भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़। तो हम यहाँ पे ना ना गए, हम आगे वाले घाट पे नहाएंगे। ये तो नहा रहे थे, इनको शिवलिंग पे दूध चढ़ाना है, ताकि मजा आ गया, ठंडा ठंडा पानी है। चलो हम बोले हाथ पर हम आ जाते बोले शंकर की जय, हर हर गंगे। आया आया ये लोग क्या है, पब्लिक दे रही है, पब्लिक बोले शंकर हर गंगे। गाइस फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं और तुम्हारा भाई नहा धो के पूरा है कावड़ वाले ड्रेसअप में। हालांकि मैं कावड़ नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि बाइक से आए यार, कावड़ तो प्रॉपर चल वल के आओ तो फायदा है। लेकिन यार मन खुश हो गया मेरा, आज पहली बार थोड़ा सा गला बैठ गया तो आवाज़ अलग आ रही होगी, कोई बात नहीं। तो तीन बंदे कैसे लगा रहे थे आज, तो नहा धो के फुल रेडी हो गए हम, मज़ा आ गया। और तीनों ने, हम तीनों ने एक जैसे कुर्ते पहने हैं, ये इसने ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना है। तो भाई सब कैसे रहा ट्रिप, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। तो ट्रिप था बेसिकली कावड़ प्रॉपर नहीं बोल सकते क्योंकि मेहनत इतनी ज्यादा हम कर नहीं रहे, जल तो टांग लिया लेकिन बाइक से जाएंगे। तो भाई बहुत सही, बहुत सही, मजा आया। अभी चलते हैं, जल लेने आए थे हम, जल लेके जा रहे हैं। मैं पहली बार लेकर आया था तो दूसरी बारी दो बारी करना पड़ता है, बाकी नज़ारे देखो।
हरिद्वार में ये पुल आई थिंक नया बना है क्योंकि मैं पहले आया नहीं इस पुल पे। तो चलो बस बाइक उठाते हैं और जल्दी से फटाफट नहा धो के तो लिए ही है, जल्दी से बाइक उठा के फटाफट चलते हैं क्योंकि अभी बज रहे हैं 3 और 3 से अगर ऊपर टाइम हो गया यानी कि 6 बजे अगर, तो 6 बजे फिर निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ से 2-3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। अभी इतनी सारी डाक कवड़े निकल रही हैं तो भाई क्राउड तो है, अभी भी तो पहुंच रहे हैं, पहले बाइक उठाएंगे। भाई हमने इस साइड खड़ी करी है, उस साइड खड़ी करते तो निकलने में दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा। बाइक वाली है ना आज निकलेगी सारी, जितने भी लोग बाइक से आए थे हमें मिला के तो भाई सारे आज निकलेंगे क्योंकि कल सुबह सुबह 4 बजे जल चढ़ाना है तो चढ़ा दो 4 बजे पहुँच जाएगा। हर कोई दिल्ली वाले गाजियाबाद वाले मेरठ वाले बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली अपने बाइक जहाँ पे खड़ी थी ना वहीं पे खड़ी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जाने में लग नहीं रहा मेरे को परेशानी ज़्यादा होगी तो बस अभी पीछे जल बांध दिया है यहाँ पे और अभी निकल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 3:30 तो अभी चाय वाय पियेंगे, चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा बिस्कुट विस्कुट खा के हल्की सी पेट पूजा करने के बाद निकलते हैं और खूबसूरत भाई रास्ता क्लियर होगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी ताकि आराम से जाएँ आराम से पहुँचे दिल्ली। बस अभी तक की अपडेट यही है, गला भाई ख़राब हो गया, चाय चाहिए अदरक वाली बढ़िया सी। आगे मिलते हैं फिर जहाँ पे रुकेंगे वहाँ दिखाएंगे, अभी तो बाइक स्टार्ट करके चाय वाली टपरी पे जा रहे हैं, आगे मिलते हैं। चलो सो भाई लोग अभी क्या हुआ था, जस्ट जैसे ही निकले थे 5-7 किलोमीटर बाद ना इतना तगड़ा जाम मिला कि मतलब हालत ख़राब थी, वो जाम 10 किलोमीटर तक का था यानी कि अगर 10 किलोमीटर का मतलब समझो तो 4 घंटे कहीं नहीं गए वो जाम खुलने से लगता था। तो कैसे तैसे थोड़ा सा आगे जाके ना हमें मिल गया ये खूबसूरत रास्ता जिससे कि मैं दूसरे तीसरी बार जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं नहर वाला रास्ता। तो नहर वाला रास्ता जस्ट साथ में था, हमने पकड़ तो लिया है लेकिन अभी 2 बंदे जो हमारे साथ थे अविनाश और कुलदीप वो पता नहीं अभी कहाँ पे, उनको फ़ोन किया फ़ोन नहीं उठा रहे वो लोग। और बस अभी इस रास्ते को कंटिन्यू करते हैं जब तक हो सकता है, वरना अगर ये रास्ता सही लगा तो सीधा इसी रास्ते से चलेंगे आगे और सीधा आपको दिल्ली पहुंचा देंगे फिर, क्योंकि तो हमें पहुंचना है जल्दी और मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठ गया। देखो नज़ारा देखो पहले तो नज़ारे जल्दी चलेंगे और ये रास्ता सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा खाली रास्ता है, अगर चाहे तो 4 घंटे में दिल्ली लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन आराम आराम से जाएंगे कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखो तो यहाँ पे भाई साहब ये इंजॉयमेंट है, क्या बात है। तो अभी अविनाश को फोन किया है, अविनाश फोन नहीं उठा रहा है। तो ये रास्ता ना मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा भगा नहीं सकते, जानवर और गांव वाले कभी भी बीच रास्ते में आ जाते हैं तो स्लो चलानी पड़ती है इस वजह से, लेकिन खूबसूरत बहुत है रास्ता। बाकी यार होप सो जल्दी वो फ़ोन उठा लें और उनको बोल दें कि हम इस रास्ते से आ रहे हैं ताकि वो भी आ सके, वरना उनको बहुत टाइम लग जाएगा फिर आशे अगर आएंगे तो। वो मेरा गला यार कुछ ज़्यादा भर गया बैठ गया मतलब भाई लोग
रुड़की से आगे हल्का सा ब्रेक लिया अभी, मैगी ब्रेक और चाय ब्रेक। एक्चुअली हमारे दो दोस्त अभी पीछे जाम में ही फंसे हुए हैं, तो हमने सोचा यार आगे जगह निकल के करेंगे क्या। तो अभी चाय भी आ गई है, मैगी आ गई है, बस अभी ये खाते हैं, आधा घंटा वेट करते हैं फिर आगे निकलेंगे। और भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, सच्चे बहुत ज़्यादा, सारे लोग जिस जिस के पास रुक रहे हो ना, सारे बंदे कह रहे हैं इतना क्राउड अपनी जिंदगी में यहाँ पे देखा, लेकिन मज़ा ही बहुत आ रहा है भाई अल्टीमेट। तो जितना टाइम अपने पास, टाइम बहुत है, टाइम ही कोई कमी नहीं है। कल सुबह 4 बजे तक का टाइम है, 4-5 बजे तक पहुँचना है दिल्ली मंदिर में, जल चढ़ा के आराम से जाके आराम करेंगे और बता देंगे आपको जिस जिस टाइम पर पहुँचेंगे भाई। लेकिन कावड़ यात्रा ने इस बार की बेस्ट, मतलब आने टाइम ना इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है मेरे को। और इसका फास्ट क्या, ये सिर्फ चाय पिएगा, कैसा मज़ा आया तो मेरे को सही बता रहा हूँ। दो बार, दूसरी बार ही आ रहा हूँ कावड़ पे, लेकिन ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है, बाकी आने वाले सालों में भी ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसी मैं कामना करता हूँ। चलो फिर अभी मैगी टेस्ट करते हैं और फिर खा के थोड़ी पेट पूजा करके आगे निकलते हैं। चलो अंसल ढाबा, तो मोदी नगर के आसपास कोई ढाबा है, यहाँ पे बैठ गए भाई, खाना मंगाया और रात के बज रहे हैं 1:30 बजने वाले हैं, और अभी भी यहाँ से 55-60 किलोमीटर के आसपास दिल्ली है। तो भाई मेरे गले की बच गई है बैंड तगड़े वाली, बस अभी पहुँचेंगे, 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो बिल्कुल टाइम पर पहुँचेंगे। क्या बोलूँ, जाम बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, पब्लिक बहुत ज़्यादा, भीड़ पकड़ी है,
तो चलो अभी खाना वाना खाने के लिए रुके हैं, सोचा आपको बता दूं। बस अभी खाना खा के निकलेंगे। ये रहा मोटा मेरे साथ, तो अमन की भी हालत ख़राब है अमन, बहुत जलान हो रखी है ना। तो भाई घर जाके ना बेड पे जब लेटेंगे पता नहीं चलेगा नींद कब कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। मेरा गला सच में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है बोलते हुए, तो सही ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई। जल्दी खा के जल्दी पहुँचते हैं, जल चढ़ाते हैं और आपको टाटा बाय बाय बोलते हैं, मिलते हैं आगे। चलो भाई खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है मेरे को देखने से, चलो खाने से तो मर ही जाएगा।